हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, मेरे हिसाब से साउंड प्रॉब्लम है यहाँ पे, बाजा ही बज रहा है और मैं हाईवे पे हूँ। हो सकता है वॉइस क्लियर नहीं आ रहा होगा, और मैं अपने बाइक के साथ में हूँ इस समय, और मैं ऐसा जगह पर लेकर के आ गया हूँ आपको जो कि नेशनल हाईवे के रूप में ये जगह है, बना हुआ है और अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये कार्य अभी पूरा हुआ नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने सोचा कि आपको फुल वीडियो बनाकर दिखा देता हूँ, क्योंकि ये मेरे झारखंड में नहीं, मेरे होम जो है मेरा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक विलेज से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, मैं तो शहर से हूँ नहीं, तो मेरे गांव के बगल से ये नेशनल हाईवे बन रहा है, ठीक है, और ये बहुत ही अच्छा है। ऐसा इधर में तो मेरे इलाके में है नहीं ऐसा रोड जो है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और मैं साथ ही ये भी मैं दिखाऊंगा कि बहुत दूर तक मतलब ट्रैवलिंग करूँगा अपने बाइक से, और उसको भी मैं शामिल करूँगा इस ब्लॉग में। और लोग बताते हैं कि अच्छा अच्छा यहाँ पे व्यू मिलेगा रास्ते में, बहुत ही अच्छा, और आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, बैक कैमरा स्टार्ट कर लेता हूँ, आपको अच्छा नज़र आएगा व्यू। ये देखिए दोस्त, शाम का समय हो चुका है, और देखिए अभी लगभग ये 4:30 बज रहा है, और देखिए शादी का भी सीज़न है, बाजे ही बज रहे हैं वो भी, और मैं आ गया हूँ शाम को टहलने के लिए। और एक्चुअली मैं अभी गढ़वा में हूँ, और ये जो टाउन है गढ़वा, उसके जस्ट बगल से ये नेशनल हाईवे को बनाया गया है। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन आपको अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। और मैं दिखाता हूँ, देखिए पूरा क्लीन आएगा बैक कैमरा से, और भी खूबसूरत नज़र आ रहा है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या मिलता है आपको मैं ये भी दिखाऊंगा। ये रहा टोल प्लाजा, नज़दीक से जाने में तो सारा चीज़ दिखेगा नहीं, दूर से मैं शूट कर रहा हूँ तो सारा चीज़ हमको दिख रहा है यहाँ से, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लेन का ये टोल प्लाजा है, बाकी गढ़देवी टोल प्लाजा, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका टोल प्लाजा बना हुआ है। यहाँ पर देखिए निर्देश क्या दिया हुआ है, ठीक है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, उसका क्या क्या नियम है उसको आपको पालन करते हुए जाना है, ठीक है। टोल प्लाजा देखिए, हमारे तरफ तो इतना बड़ा टोल प्लाजा कभी नहीं है, ये फर्स्ट ही बन रहा है। और गाड़ी का लिमिट देखिए, स्पीड लिमिट, आदमी कितना फास्ट चला रहा है यहाँ पर, इंजॉय कर रहा है इस मोमेंट को, अभी भीड़ कम है इसलिए मज़ा ले रहा है सब। ये देखिए टॉयलेट वॉयलेट करने के लिए जगह है, और रूम भी बना दिया है, और एक पार्किंग एरिया है। पीछे का कुछ सिर्फ रोड ही रोड है यहाँ पे, बहुत लंबा चौड़ा, और क्या बताने इस जगह पे। बैक कैमरा स्टार्ट करते हैं, और अच्छा से कुछ दिखने को मिलता है, मैं एक्सप्लोर करूँगा अच्छा से, ठीक है, बैक कैमरा को चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको, केबिन बना हुआ देखिए, ये देखिए, और सीढ़ी भी बनाया हुआ ऊपर, उसको तो बनाने के लिए सीढ़ी बनाया होगा भाई, ठीक है, बोर्ड लगाने के लिए। इस तरह से बिल्डिंग है, देखिए ट्रैफिक नियमों का क्या क्या पालन करना है वो बोर्ड में समझा दिया गया है, ठीक है। इसको जूम करते हैं, ये देखिए इस बिल्डिंग में स्टाफ लोग रहेंगे, नाइट हो या डे हो। अब भाई कैमरे में झिलमिलाहट चालू हो गया, क्योंकि शाम हो गया है बहुत ज़्यादा, ठीक है। देखिए बड़ी गाड़ी अभी उधर से पार कर रहा है, पता नहीं ये चालू है कि नहीं है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि रात होने वाला है। देखिए पहाड़ भी अब नहीं दिख रहा है, ठीक है। खैर मैं तो पूरा अंधेरा होते तक घूमूंगा क्योंकि मेरा घर यहाँ से दूर है। सो गाइस मैं आपको लेकर के आ गया हूँ ब्रिज के जस्ट ऊपर में, और देखिए नीचे से छोटा सा रास्ता जो है वो पास हो रहा है जो कि भंडरिया बोले तो छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ की ओर जाता है ये। इस रास्ते में मैं गया हूँ, कभी मैं ब्लॉग बनाऊँगा, बहुत अच्छा सुंदर जगह है, कुछ रास्ते मिलेंगे, ठीक है, तो उसके बारे में मैं बनाऊँगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर देखिए खड़ा हूँ, आपको लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर मैं आ गया हूँ देखिए, और शाम का समय है इसलिए फेस जो है वो क्लियर नहीं आएगा, ठीक है। और मैं एक्चुअली आपको बैक कैमरा ऑन करके दिखाता हूँ, उसमें आपको अच्छा नज़ारा आएगा। देखिए फिर भी देखिए इस साइड से देखिए अच्छा व्यू आ रहा है, फ़ोटो क्लिक करने पे वाह क्या मज़ा आ गया भाई। ऐसा नेशनल हाईवे हमारे गाँव के किनारे से बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत लोग घूमने के लिए आते हैं यहाँ पर, बहुत ही अच्छा, ठीक है। और भी आपको रास्ते में देखते हैं क्या क्या कैसा लोकेशन है, अच्छा नज़र आ रहा है, ठीक है। नीचे से जो रास्ता पास हुआ देखिए कैसा बना हुआ है, मैं बैक कैमरा ऑन कर रहा हूँ आपको। ये देखिए मैं ब्रिज के जस्ट एकदम टॉप पे खड़ा हूँ, ऊपर में देखिए कुछ गाड़ियाँ आ रही है जो कि काम जो चल रहा है इस ब्रिज में उसके लिए मटेरियल भर भर के लाते हैं। आगे पे इसका जो है कॉन्क्रीट का स्टेशन है, वहाँ से मटेरियल बनता है इसका, जो भी रोड बनता है उसमें जो इस्तेमाल होता है मटेरियल, और सारा चीज़ का मटेरियल हाउस है। और नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए अच्छा नज़र आ रहा है, चारों तरफ से दिखा दे रहा हूँ आपको, ये देखिए। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे में क्या क्या मिलेगा आपको, कहाँ कहाँ कार्य रुका हुआ है वो भी इन्फॉर्मेशन हम आपको देते जाएंगे, और कब तक चालू होगा ये रास्ता उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। अगर आप गढ़वा डिस्ट्रिक्ट से हैं और या तो पलामू डिस्ट्रिक्ट से है, गढ़वा पलामू तो दोनों सटा हुआ है, हमारा जो घर है जैसा कि हमने बताया था आपको कि दोनों शहर हमारे घर से नज़दीक है, डालडगंज 50 किलोमीटर है तो गढ़वा जो टाउनशिप है वो लगभग 30 किलोमीटर कम ही है, 30 से भी मतलब 20 किलोमीटर मान के चलिए, ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। तो हमारा तो घूमना आना जाना लगा रहता है इधर में, इसलिए अगर आप गढ़वा से होंगे तो आपको भी जानकारी मिल जाएगा कि ये कब तक कंप्लीट होने वाला है, कहाँ कहाँ तक काम बाधित है, तो वीडियो में बने रहेगा। तब तक के लिए हम चलते हैं और आगे आपको ले करके चलते हैं। ये देखिए काम अभी चल रहा है यहाँ पर, अभी यहाँ पे टाइम लगेगा भाई, कोई रास्ता नहीं है, ठीक है, हमको बाइक का पीछे ही लेना पड़ेगा। यहाँ पे कब तक काम चलेगा कोई गारंटी नहीं है, अभी सरकार का काम तो धीरे धीरे ही होता है ना। एक्चुअली इस ब्रिज को स्टार्ट हुए हो गया 2 साल तो हो ही गया, ठीक है, हमारे झारखंड बिहार के सरकार भी थोड़ा स्लो काम करती है, यह खैर ज़्यादा कॉमेंट नहीं करना सरकार के ऊपर, क्योंकि मनीष कश्यप जो देखिए हमारे साथ बीटेक करने वाला बंदा, ठीक है, वो जेल काट कर आया हुआ है, इससे ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। आसपास का लोकेशन अच्छा है, अच्छा नज़र आ रहा है यहाँ पे, सूर्योदय शाम का समय है, सूर्यास्त होने को है, लगभग 5 बज गया है, ठीक है। और देखिए कंक्रीट वंक्रीट सब रखा हुआ है इधर मटेरियल, ठीक है। ये हमारे आसपास का लोकेशन चारों तरफ से आपको दिखा दिए, ठीक है, ऊपर से तो पेड़ ही पेड़ नज़र आ रहा है, घर तो नज़र आएगा नहीं क्योंकि ये ब्रिज जो है हाइट पे है। अच्छा है, शाम के समय अच्छा लग रहा है, बहुत लोग घूमने के लिए आते हैं, हालांकि ये जो पास नहीं हो रहा है यहाँ पे गाड़ी, इसलिए बहुत कम आदमी है, जो भी है वर्कर ही है आगे काम कर रहा है, ठीक है। इधर मैं वीडियो बनाना अलाउ नहीं करता है, मेरे दोस्त लोग बता रहा था, इसलिए मैं उधर ज़्यादा नज़दीक नहीं जा पाऊँगा क्योंकि उन लोगों को लगता है कि हम गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं या न्यूज़ वाले हैं ऐसा, तो
तो चिढ़ते हैं वहाँ के इंजीनियर के, कुछ गलत अगर कर रहे हैं तो दिखा देगा तो वायरल होगा वीडियो, ऐसा वैसा कुछ सोचता है, इसलिए मना करता है। और मैं अभी तो लड़ नहीं सकता वो सबसे, क्योंकि देखिए हमारे चैनल से इनकम तो होता नहीं, अभी मोनेटाइज्ड होने वाला है, उड़ने वाला है, जो भी क्राइटेरिया होता है यूट्यूब का, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड, जहाँ भी देखिए ब्रिज बना हुआ है उसके नीचे से देखिए अंडरपास दिया हुआ है, नीचे से छोटा सा पतला सा रास्ता जाता है और नीचे वाला जो भी रास्ता रहता है उसमें करेक्शन रहता है। यहाँ पे इस तरह से डिजाइन है ब्रिज का, दोनों तरफ से इसी तरह से बनाया हुआ, अच्छा दिख रहा है। ठीक है, देखिए गाड़ी भी आ रहा है उधर से, हमको साइड करना पड़ेगा गाड़ी को, अपना मोटर बाइक को। ऐसा ही हर जगह मिलेगा आपको, देखिए ऊपर से सिर्फ पेड़ पौधा ही दिख रहा था, लेकिन नीचे से देखिए घर भी है। और क्या दो से तीन महीना का और काम बचा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो कब्रिस्तान की वजह से ये कार्य स्थगित था, ये देखिए लास्ट ये पुल बन रहा है, बता रहा है लोग यहाँ पे, ठीक है। और चलते हैं आगे बढ़ते हैं, क्या और आगे देखते हैं क्या क्या मिलता है रास्ते में। सो गाइस, मैं गढ़वा टाउन से लगभग 5 किलोमीटर और दूर निकल गए हैं, और देखिए बहुत ही लंबा चौड़ा यहाँ पे दिख रहा है देखिए। और सेकंड ब्रिज हमको मिला था, यहाँ पे लोग इंस्टंट भी कर रहे थे, और देखिए सूर्यास्त हो रहा है, शाम का लगभग 6 बजने को है, और मैं हो गया हूँ लेट। और देखिए बहुत ही अच्छा खूबसूरत जगह था ये, अच्छा लग रहा था घूमने के लिए, इसीलिए हम यहाँ पर रुक गए देखिए। और लाल रंग का देखिए सूर्य हो गया है, यह डूबने वाला है, अब शाम होने वाला है पूरा। और देखिए कहीं कहीं ब्रिज में काम भी चल रहा है, आपको दिख रहा होगा वीडियो में, तो अच्छा लग रहा है भाई घूम के इधर। पूरा रास्ता चालू नहीं हुआ है इसलिए कम ही इधर, सिर्फ मोटर बाइक वाला होता है या तो फिर हाईवे वाला होता है, वही हाईवे का गाड़ी चल रहा है जो सामान वामान लाने का काम कर रहा है, ठीक है। अभी चालू हुआ नहीं है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे में क्या क्या मिलता है। और कुछ है नहीं, ये रास्ता तो हमने बताया था, औरंगाबाद डाल्टनगंज और इधर यूपी से आ रहा है ये रास्ता, ठीक है। इस छोर से इधर भी यूपी पड़ेगा और ये इधर निकल जाएगा अपना डाल्टनगंज जो मेरा होम टाउन है, और औरंगाबाद भी आ जाएगा। सो गाइस, मैं आ गया हूँ, पता नहीं कौन सा गाँव है, फराठिया एक गांव है, ठीक है, उसके करीब मैं हूँ। और मेरे पीछे देख सकते हैं, कैमरा में नहीं दिख रहा है, ठीक है, बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा मैं आगे बढ़ गया हूँ, ठीक है। और मैं फिर से यहाँ पर फंस चुका हूँ, मैं बैक कैमरा स्टार्ट कर लेता हूँ। दोस्तों फिर से यहाँ पे काम चल रहा है, इसलिए मैं फिर से मुझे बाइक जो है घुमाना पड़ेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम आगे चल रहा है,
और पता नहीं मुझे कैसे जाना पड़ेगा, मुझे आइडिया नहीं है। चलिए हम आगे निकलते हैं और देखते हैं क्या क्या चल रहा है, लोग आना जाना तो कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा लग रहा है देख करके यहाँ पे। अब देखिए लोग पीछे में वीडियो वीडियो शूटिंग कर रहे हैं, कहीं कहीं पे पिचिंग का काम हो रहा है। देखिए बहुत अच्छा पिचिंग हुआ है और काम अभी चल ही रहा है। ठीक है, ये गाड़ियां तो दौड़ रही है भाई। ये है भाई, अभी इधर खुदाई भी चल रहा नीचे माटी वटी का। ठीक है, वो सब क्या दिखाना, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। लाइटिंग का काम भी हो चुका है और हमको तो नज़र आ रहा है बाहर से, लेकिन कैमरा में नहीं दिख रहा है, जूम करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए अच्छा दिख रहा भाई, अमेजिंग अमेजिंग व्यू। गाड़ी भी आ गया है, ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा है भाई, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये हमारे गांव के पास में ऐसा, हम तो डेली हमेशा घूमने आ जा रहे हैं आजकल इधर। ये देखिए अब पहाड़ भी दिखने लगा है, चलते हैं पहाड़ के तरफ में, कैसा नज़ारा आता है आपको मैं दिखाऊंगा। शाम हो गया है, 6 बजने वाला है, अंधकार तो होगा, फिर वीडियो शूट करेंगे भाई, आप लोग को घुमाएँगे, पूरा घुमाएँगे। ठीक है, अच्छा ही लगेगा, अच्छा दिख रहा है। ये देखिए थोड़ा मिक्सर भी जा रहा है, गाड़ी भी जा रहा है, देखिए अच्छा दिख रहा है, क्या बात है। पीछे भी देख ले आप, और थोड़ा सा दिल होना चाहिए था यार, मैं और भी टाइम निकल के आऊँगा इधर, अच्छा लग रहा है देख करके। तो बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है, एक हम फोटो भी ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए फिश प्लाजा 1 किलोमीटर यहाँ से दूर है, रात तो हो गया लेकिन फिर भी अच्छा लुक आ रहा है, इसलिए वीडियो तो पूरा शूट करने वाले ही हैं भाई। ये देख लीजिए आप लोग, मज़ा आ जाएगा आपको देख करके। ये ऐसा गांव में हमारे पहली बार ऐसा नेशनल हाईवे बन रहा है, इसलिए मैं सोचा कि आपको मैं पूरा दिखाता हूँ वीडियो आज आपको। ठीक है, देखिए लाइटें भी लग गया है, टिमटिमाते हुए टारों की तरह दिख रहा है यहाँ पे, वाह अच्छा है। फिश टोल प्लाजा 1 किलोमीटर लिखा हुआ है, और देखिए पहाड़ भी आपको दिख रहा है, लोग भी इंजॉय कर रहे हैं इस जगह को। ये मेरा लोकल इलाका है इसलिए मुझे नर्वसनेस फील भी हो रहा है भाई, क्योंकि लोग मुझे ताड़ते हुए जा रहे हैं कि ये कर क्या रहा है। खैर वैसे मैं दूसरा स्टेट में जब जाता हूँ तो मैं पूरा वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, वहाँ पे कोई हेजिटेशन नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे मुझे जानते तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग जानने वाले मिल जा रहे हैं, तो क्या सोच रहे हैं उसके बारे में सोचने लगता हूँ, इसीलिए थोड़ा सा नर्वसनेस फील हो रहा है। ठीक है, तो क्या आगे बढ़ना चाहिए मुझे, चलिए चलते हैं आपको दिखाते हैं और आगे क्या क्या, कितना अंधेरा होता है। ठीक है, उसको मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए इधर में खेत भी है और कोई गांव है, पता नहीं कौन सा गांव है।
भाई अभी इधर खुदाई भी चल रहा नीचे माटी वटी का, ठीक है वो सब क्या दिखाना, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। मैं लाइटिंग का काम भी हो चुका है और हमको तो नज़र आ रहा है बाहर से, लेकिन कैमरा में नहीं दिख रहा है, जूम करके दिखाते आपको। ये देखिए अच्छा दिख रहा भाई, अमेजिंग अमेजिंग व्यू। गाड़ी भी आ गया है, ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा है भाई, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये हमारे गांव के पास में ऐसा, हम तो डेली हमेशा घूमने आ जा रहे हैं आजकल इधर। ये देखिए अब पहाड़ भी दिखने लगा है, चलते हैं पहाड़ के तरफ में, कैसा नज़ारा आता है आपको मैं दिखाऊंगा। शाम हो गया है, 6 बजने वाला है, अंधकार तो होगा, फिर वीडियो शूट करेंगे भाई, आप लोगों को घुमाएंगे, पूरा घुमाएंगे, ठीक है। अच्छा ही लगेगा, अच्छा दिख रहा है। ये देखिए चलो मिक्सर भी जा रहा है, गाड़ी भी जा रहा है, देखिए अच्छा दिख रहा है, क्या बात है। पीछे भी देख ले आप, और थोड़ा सा दिल होना चाहिए था यार, मैं और भी टाइम निकल के आऊँगा इधर, अच्छा लग रहा है देख करके। तो बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है, एक हम फोटो भी ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फिश प्लाजा 1 किलोमीटर यहाँ से दूर है, रात तो हो गया लेकिन फिर भी अच्छा लुक आ रहा है, इसलिए वीडियो तो पूरा शूट करने वाले ही हैं भाई। ये देख लीजिए आप लोग, मज़ा आ जाएगा आपको देख करके। ये ऐसा गांव में हमारे पहली बार ऐसा नेशनल हाईवे बन रहा है, इसलिए मैं सोचा कि आपको मैं पूरा दिखाता हूँ वीडियो आज आपको, ठीक है। देखिए लाइटें भी लग गया है, टिमटिमाते हुए टारों की तरह दिख रहा है यहाँ पे, वाह अच्छा है। फिश टोल प्लाजा 1 किलोमीटर लिखा हुआ है, और देखिए पहाड़ भी आपको दिख रहा है, लोग भी इंजॉय कर रहे हैं इस जगह को। ये मेरा लोकल इलाका है इसलिए मुझे नर्वसनेस फील भी हो रहा है भाई, क्योंकि लोग मुझे ताड़ते हुए जा रहे हैं कि ये कर क्या रहा है। खैर वैसे मैं दूसरा स्टेट में जब जाता हूँ तो मैं पूरा वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, वहाँ पे कोई हेजिटेशन नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे मुझे जानते तो है नहीं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग जानने वाले मिल जा रहे हैं, तो क्या सोच रहे हैं उसके बारे में सोचने लगता हूँ, इसीलिए थोड़ा सा नर्वसनेस फील हो रहा है, ठीक है। तो क्या आगे बढ़ना चाहिए मुझे, चलिए चलते हैं आपको दिखाते हैं और आगे क्या क्या, कितना अंधेरा होता है, ठीक है, उसको मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए इधर में खेत भी है और कोई गांव है, पता नहीं कौन सा गांव है। अच्छा लग रहा है देख करके यहाँ पे, यहाँ पर देखिए लोग पीछे में वीडियो वीडियो शूटिंग कर रहे हैं। सो गाइस मैं गढ़वा टाउन से लगभग 5 किलोमीटर और दूर निकल गए हैं, और देखिए बहुत ही लंबा चौड़ा यहाँ पे दिख रहा है देखिए, और सेकंड ब्रिज हमको मिला था यहाँ पे, लोग इंस्टंट भी कर रहे थे, और देखिए सूर्यास्त हो रहा है, शाम का लगभग 6 बजने को है और मैं हो गया हूँ लेट। और देखिए बहुत ही अच्छा खूबसूरत जगह था ये, अच्छा लग रहा था घूमने के लिए, इसीलिए हम यहाँ पे रुक गए देखिए। और लाल रंग का देखिए सूर्य हो गया है, यह डूबने वाला है, अब शाम होने वाला है पूरा। और देखिए कहीं कहीं ब्रिज में काम भी चल रहा है, आपको दिख रहा होगा वीडियो में, तो अच्छा लग रहा है भाई घूम के इधर। पूरा रास्ता चालू नहीं हुआ है इसलिए कम ही इधर, सिर्फ मोटर बाइक वाला होता है या तो फिर हाईवे वाला होता है, वही हाईवे का गाड़ी चल रहा है जो सामान वामान लाने का काम कर रहा है।
ठीक है, अभी चालू हुआ नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे में क्या क्या मिलता है। और कुछ है नहीं, ये रास्ता तो हमने बताया था, औरंगाबाद डाल्टनगंज और इधर यूपी से आ रहा है ये रास्ता। ठीक है, इस छोर से इधर भी यूपी पड़ेगा और ये इधर निकल जाएगा अपना डाल्टनगंज जो मेरा होम टाउन है, और औरंगाबाद भी आ जाएगा। सो गाइस, मैं आ गया हूँ, पता नहीं कौन सा गाँव है, फराठिया एक गांव है, ठीक है, उसके करीब मैं हूँ। और मेरे पीछे देख सकते हैं, कैमरा में नहीं दिख रहा है, ठीक है, बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा मैं आगे बढ़ गया हूँ, ठीक है। और मैं फिर से यहाँ पे फंस चुका हूँ, मैं बैक कैमरा स्टार्ट कर लेता हूँ। कहीं कहीं पे पिचिंग का काम हो रहा है, देखिए बहुत अच्छा पिचिंग हुआ है और काम अभी चल ही रहा है, ठीक है। ये गाड़ियाँ तो दौड़ रही है भाई। दोस्तों फिर से यहाँ पे काम चल रहा है, इसलिए मैं फिर से मुझे बाइक जो है घुमाना पड़ेगा। क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम आगे चल रहा है और पता नहीं मुझे कैसे जाना पड़ेगा, मुझे आइडिया नहीं है। चलिए हम आगे निकलते हैं और देखते हैं क्या क्या चल रहा है, लोग आना जाना तो कर रहे हैं, ठीक है। दो से तीन महीना का और काम बचा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो कब्रिस्तान की वजह से ये कार्य स्थगित था, ये देखिए लास्ट ये पुल बन रहा है, बता रहा है लोग यहाँ पे, ठीक है। और चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्या, और आगे देखते हैं क्या क्या मिलता है रास्ते में। सो फ्रेंड, जहाँ भी देखिए ब्रिज बना हुआ है उसके नीचे से देखिए अंडरपास दिया हुआ है, नीचे से छोटा सा पतला सा रास्ता जाता है और नीचे वाला जो भी रास्ता रहता है उसमें करेक्शन रहता है। यहाँ पे इस तरह से डिजाइन है ब्रिज का, दोनों तरफ से इसी तरह से बनाया हुआ, अच्छा दिख रहा है, ठीक है। देखिए गाड़ी भी आ रहा है उधर से, हमको साइड करना पड़ेगा गाड़ी को, अपना मोटर बाइक को। ऐसा ही हर जगह मिलेगा आपको, देखिए ऊपर से सिर्फ पेड़ पौधा ही दिख रहा था, लेकिन नीचे से देखिए घर भी है। और क्या आसपास का लोकेशन अच्छा है, अच्छा नज़र आ रहा है यहाँ पे, सूर्योदय शाम का समय है, सूर्यास्त होने को है, लगभग 5 बज गया है, ठीक है। और देखिए कंक्रीट वंक्रीट सब रखा हुआ है इधर मटेरियल, ठीक है। ये हमारे आसपास का लोकेशन चारों तरफ से आपको दिखा दिए, ठीक है। ऊपर से तो पेड़ ही पेड़ नज़र आ रहा है, घर तो नज़र आएगा नहीं क्योंकि ये ब्रिज जो है हाइट पे है। अच्छा है, शाम के समय अच्छा लग रहा है, बहुत लोग घूमने के लिए आते हैं। हालांकि ये जो पास नहीं हो रहा है यहाँ पे गाड़ी, इसलिए बहुत कम आदमी है, जो भी है वर्कर ही है आगे काम कर रहा है, ठीक है।
इधर में वीडियो बनाना अलाउ नहीं करता है, मेरे दोस्त लोग बता रहा था, इसलिए मैं उधर ज़्यादा नज़दीक नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि हम गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं या न्यूज़ वाले हैं ऐसा, तो चिढ़ते हैं वहाँ के इंजीनियर कि कुछ गलत अगर कर रहे हैं तो दिखा देगा तो वायरल होगा वीडियो, ऐसा वैसा कुछ सोचता है, इसलिए मना करता है। और मैं अभी तो लड़ नहीं सकता वो सबसे, क्योंकि देखिए हमारे चैनल से इनकम तो होता नहीं है, अभी मोनेटाइज्ड होने वाला है, उड़ने वाला है, जो भी क्राइटेरिया होता है यूट्यूब का, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, आपको जूम करके दिखाते हैं, रास्ता जो है वो बन रहा है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। चलिए बैठते हैं, और देखिए ट्रक भी जा रहा है मटेरियल को लेकर के, और नीचे से जो रास्ता है वो जाता है छत्तीसगढ़ की ओर, ठीक है। ऊपर से नेशनल हाईवे को गुजारा गया है, और हमारा जो सिटी है वो डाल्टनगंज की तरफ हो जा रहा है ये रास्ता, ठीक है। और ये गढ़वा एक्चुअली ये जो है नेशनल हाईवे जो है वो अपना यूपी से होते हुए झारखंड होते हुए बिहार में जा रहा है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ काम स्टॉप है। फ्रेंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्य बाधित है, यहाँ पे एक्चुअली काम चल रहा है, अभी पूरा होने में जस्ट टाइम लगेगा। यहाँ पे यहाँ भी छोटा ब्रिज है, नीचे से रास्ता पास हुआ है, एक्चुअली हम आगे बाइक को टर्न नहीं करा सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ से बाइक को फिर से वापस लेना पड़ेगा मुझे, लगभग 2 किलोमीटर और रन करना पड़ेगा, ठीक है। बैक कैमरे को स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए काम अभी चल रहा है यहाँ पे, अभी यहाँ पे टाइम लगेगा भाई, कोई रास्ता नहीं है, ठीक है, हमको बाइक अब पीछे ही लेना पड़ेगा। यहाँ पे कब तक काम चलेगा कोई गारंटी नहीं है, अभी सरकार का काम तो धीरे धीरे ही होता है ना। एक्चुअली इस ब्रिज को स्टार्ट हुए हो गया 2 साल तो हो ही गया, ठीक है। हमारे झारखंड बिहार की सरकार भी थोड़ा स्लो काम करती है, ये खैर ज़्यादा कमेंट नहीं करना सरकार के ऊपर, क्योंकि मनीष कश्यप जो देखिए हमारे साथ बीटेक करने वाला बंदा, ठीक है, वो जेल काट कर आया हुआ है, इसलिए ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। सो गाइस, मैं आपको लेकर के आ गया हूँ ब्रिज के जस्ट ऊपर में, और देखिए नीचे से छोटा सा रास्ता जो है वो पास हो रहा है, जो कि भंडरिया बोले तो छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ की ओर जाता है ये। इस रास्ते में मैं गया हूँ, कभी मैं ब्लॉग बनाऊंगा, बहुत अच्छा सुंदर जगह है, कुछ रास्ते मिलेंगे, ठीक है, उसके बारे में मैं बनाऊंगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे देखिए खड़ा हूँ, आपको लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर मैं आ गया हूँ, देखिए, और शाम का समय है इसलिए फेस जो है वो क्लियर नहीं आएगा, ठीक है। और मैं एक्चुअली आपको बैक कैमरा ऑन करके दिखाता हूँ, उसमें आपको अच्छा नज़ारा आएगा। देखिए फिर भी देखिए इस साइड से देखिए अच्छा व्यू आ रहा है, फ़ोटो क्लिक करने पे वाह क्या मज़ा आ गया भाई, ऐसा नेशनल हाईवे हमारे गांव के किनारे से बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत लोग घूमने के लिए आते हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छा, ठीक है। और भी आपको रास्ते में देखते हैं क्या क्या कैसा लोकेशन है, अच्छा नज़र आ रहा है, ठीक है। नीचे से जो रास्ता पास हुआ देखिए कैसा बना हुआ है, मैं बैक कैमरा ऑन कर रहा हूँ आपको। ये देखिए दोस्त, शाम का समय हो चुका है, और देखिए अभी लगभग के 4:30 बज रहा है, और देखिए शादी का भी सीज़न है, बाजे ही बज रहे हैं अभी, और मैं आ गया हूँ शाम को टहलने के लिए। और एक्चुअली मैं अभी गढ़वा में हूँ, और ये जो टाउन है गढ़वा, उसके जस्ट बगल से ये नेशनल हाईवे को बनाया गया है, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन आपको अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। और अरे मैं दिखाता हूँ, देखिए पूरा क्लीन आएगा बैक कैमरा से, और भी खूबसूरत नज़र आ रहा है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या मिलता है आपको मैं ये भी दिखाऊंगा।
अच्छा ये फोर लाइन से चलिए ना इसी से इस बताओ अथी चीनिया फोर लाइन से चलिए इलेक्टोरेट गढ़वा 60 करोड़ के बिल्डिंग बनल है गढ़वा में सवारना ले देखिए जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको केबिन बना हुआ देखिए ये देखिए और सीढ़ी भी बनाया हुआ ऊपर उसको तो बनाने के लिए सीढ़ी बनाया होगा भाई ठीक है बोर्ड लगाने के लिए इस तरह से बिल्डिंग है। देखिए ट्रैफिक नियमों का क्या क्या पालन करना है वो बोर्ड में समझा दिया गया है ठीक है। इसको जूम करते हैं ये देखिए इस बिल्डिंग में स्टाफ लोग रहेंगे नाइट हो या डे हो। अब भाई कैमरा में झिलमिलाहट चालू हो गया क्योंकि शाम हो गया है बहुत ज़्यादा ठीक है। तो देखिए बड़ी गाड़ी अभी उधर से पार कर रहा है पता नहीं ये चालू है कि नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि रात होने वाला है। देखिए पहाड़ भी अब नहीं दिख रहा है ठीक है। खैर मैं तो पूरा अंधेरा होते तक घूमूंगा क्योंकि मेरा घर यहाँ से दूर है। ये रहा टोल प्लाजा नज़दीक से जाने में तो सारा चीज़ दिखेगा नहीं दूर से मैं शूट कर रहा हूँ तो सारा चीज़ हमको दिख रहा है यहाँ से ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 लेन का ये टोल प्लाजा है बाकी गढ़ देवी टोल प्लाजा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ठीक है। इसका टोल प्लाजा बना हुआ है यहाँ पे देखिए निर्देश क्या दिया हुआ है ठीक है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे उसका क्या क्या नियम है उसको आपको पालन करते हुए जाना है ठीक है। टोल प्लाजा देखिए हमारे तरफ तो इतना बड़ा टोल प्लाजा कभी नहीं है ये फर्स्ट ही बन रहा है। और गाड़ी का लिमिट देखिए स्पीड लिमिट आदमी कितना फास्ट चला रहा है यहाँ पे एंजॉय कर रहा है इस मोमेंट को। अभी भीड़ कम है इसलिए मज़ा ले रहा है सब ठीक है। ये देखिए टॉयलेट वॉयलेट करने के लिए जगह है और रूम भी बना दिया है और एक पार्किंग एरिया है। पीछे का कुछ सिर्फ रोड ही रोड है यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा और क्या बताने जगह पे। बैक कैमरा स्टार्ट करते हैं और अच्छा से कुछ दिखने को मिलता मैं एक्सप्लोर करूँगा अच्छा से ठीक है। बैक कैमरा को चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। दो से तीन महीना का और काम बचा हुआ है ठीक है। और यहाँ पे जो कब्रिस्तान की वजह से ये कार्य स्थगित था ये देखिए लास्ट ये पुल बन रहा है बता रहा है लोग यहाँ पे ठीक है। और चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्या और आगे देखते हैं क्या क्या मिलता है रास्ते में। सो गाइस आपको जूम करके दिखाते हैं रास्ता जो है वो बन रहा है अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। चलिए बढ़ते हैं और देखिए ट्रक भी जा रहा है मटेरियल को लेकर के
और नीचे से जो रास्ता है वो जाता है छत्तीसगढ़ की ओर, ठीक है। ऊपर से नेशनल हाईवे को गुजारा गया है और हमारा जो सिटी है वो डाल्टनगंज की तरफ हो जा रहा है ये रास्ता, ठीक है। और ये गढ़वा एक्चुअली ये जो है नेशनल हाईवे जो है वो अपना यूपी से होते हुए झारखंड होते हुए बिहार में जा रहा है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ काम स्टॉप है। फ्रेंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्य बाधित है, यहाँ पे एक्चुअली काम चल रहा है, अभी पूरा होने में जस्ट टाइम लगेगा। यहाँ पे यहाँ भी छोटा ब्रिज है, नीचे से रास्ता पास हुआ है। एक्चुअली हम आगे बाइक को टर्न नहीं करा सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ से बाइक को फिर से वापस लेना पड़ेगा मुझे, लगभग 2 किलोमीटर और रन करना पड़ेगा, ठीक है। बैक कैमरे को स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए काम अभी चल रहा है यहाँ पे, अभी यहाँ पे टाइम लगेगा भाई, कोई रास्ता नहीं है, ठीक है, हमको बाइक अब पीछे ही लेना पड़ेगा। यहाँ पे कब तक काम चलेगा कोई गारंटी नहीं है, अभी सरकार का काम तो धीरे धीरे ही होता है ना। एक्चुअली इस ब्रिज को स्टार्ट हुए हो गया 2 साल तो हो ही गया, ठीक है। हमारे झारखंड बिहार के सरकार भी थोड़ा स्लो काम करती है, ये खैर ज़्यादा कमेंट नहीं करना सरकार के ऊपर, क्योंकि मनीष कश्यप जो देखिए हमारे साथ बीटेक करने वाला बंदा, ठीक है, वो जेल काट कर आया हुआ है, इसलिए ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। आसपास का लोकेशन अच्छा है, अच्छा नज़ारा आ रहा है यहाँ पे। सूर्योदय शाम का समय है, सूर्यास्त होने को है, लगभग 5 बज गया है, ठीक है। और देखिए कंक्रीट वंक्रीट सब रखा हुआ है इधर मटेरियल, ठीक है। ये हमारे आसपास का लोकेशन चारों तरफ से आपको दिखा दिए, ठीक है। ऊपर से तो पेड़ ही पेड़ नज़र आ रहा है, घर तो नज़र आएगा नहीं क्योंकि ये ब्रिज जो है हाइट पे है। अच्छा है, शाम के समय अच्छा लग रहा है, बहुत लोग घूमने के लिए आते हैं। हालांकि ये जो पास नहीं हो रहा है यहाँ पे गाड़ी, इसलिए बहुत कम आदमी है, जो भी है वर्कर ही है, आगे काम कर रहा है, ठीक है। इधर मैं वीडियो बनाना अलाउ नहीं करता है, मेरे दोस्त लोग बता रहा था, इसलिए मैं उधर ज़्यादा नज़दीक नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि हम गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं या न्यूज़ वाले हैं, ऐसा तो चिढ़ते हैं वहाँ के इंजीनियर कि कुछ गलत अगर कर रहे हैं तो दिखा देगा तो वायरल होगा वीडियो, ऐसा वैसा कुछ सोचता है, इसलिए मना करता है। और मैं अभी तो लड़ नहीं सकता वो सबसे, क्योंकि देखिए हमारे चैनल से इनकम तो होता नहीं, अभी मोनेटाइज्ड होने वाला है, उड़ने वाला है, जो भी क्राइटेरिया होता है यूट्यूब का, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड जहाँ भी देखिए ब्रिज बना हुआ है उसके नीचे से देखिए अंडरपास दिया हुआ है, नीचे से छोटा सा पतला सा रास्ता जाता है और नीचे वाला जो भी रास्ता रहता है उसमें करेक्शन रहता है। यहाँ पे इस तरह से डिजाइन है ब्रिज का, दोनों तरफ से इसी तरह से बनाया हुआ, अच्छा दिख रहा है, ठीक है। देखिए गाड़ी भी आ रहा है उधर से, हमको साइड करना पड़ेगा गाड़ी को, अपना मोटर बाइक को। ऐसा ही हर जगह मिलेगा आपको, देखिए ऊपर से सिर्फ पेड़ पौधा ही दिख रहा था, लेकिन नीचे से देखिए घर भी है। और क्या तो गाइज आपको जूम करके दिखाते हैं, रास्ता जो है वो बन रहा है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। चलिए बैठते हैं, और देखिए ट्रक भी जा रहा है मटेरियल को लेकर के, और नीचे से जो रास्ता है वो जाता है छत्तीसगढ़ की ओर, ठीक है। ऊपर से नेशनल हाईवे को गुजारा गया है और हमारा जो सिटी है वो डाल्टनगंज की तरफ हो जा रहा है ये रास्ता, ठीक है। और ये गढ़वा एक्चुअली ये जो है नेशनल हाईवे जो है वो अपना यूपी से होते हुए झारखंड होते हुए बिहार में जा रहा है ये।
चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ काम स्टॉप है। दो से तीन महीना का और काम बचा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो कब्रिस्तान की वजह से ये कार्य स्थगित था, ये देखिए लास्ट ये पुल बन रहा है, बता रहा है लोग यहाँ पे, ठीक है। और चलते हैं आगे बढ़ते हैं, क्या और आगे देखते हैं क्या क्या मिलता है रास्ते में। तो गाइस मैं आ गया हूँ, मैं पता नहीं कौन सा गया है, फराठिया एक गांव है, ठीक है, उसके करीब मैं हूँ। और मेरे पीछे देख सकते हैं, कैमरा में नहीं दिख रहा है, ठीक है, बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा मैं आगे बढ़ गया हूँ, ठीक है। और मैं फिर से यहाँ पे फंस चुका हूँ, मैं बैक कैमरा स्टार्ट कर लेता हूँ। ये है भाई, अभी इधर खुदाई भी चल रहा नीचे माटी वटी का, ठीक है, वो सब क्या दिखाना, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। दोस्तों फिर से यहाँ पे काम चल रहा है, इसलिए मैं फिर से मुझे बाइक जो है घुमाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम आगे चल रहा है और पता नहीं मुझे कैसे जाना पड़ेगा, मुझे आइडिया नहीं है। चलिए हम आगे निकलते हैं और देखते हैं क्या क्या चल रहा है, लोग आना जाना तो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा लग रहा है देख करके यहाँ पे, अब देखिए लोग पीछे में वीडियो वीडियो शूटिंग कर रहे हैं, कहीं कहीं पे पिचिंग का काम हो रहा है, देखिए बहुत अच्छा पिचिंग हुआ है और काम अभी चल ही रहा है, ठीक है। ये गाड़ियां तो दौड़ रही है भाई, बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है, एक हम फोटो भी ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फिश प्लाजा 1 किलोमीटर यहाँ से दूर है, रात तो हो गया लेकिन फिर भी अच्छा लुक आ रहा है, इसलिए वीडियो तो पूरा शूट करने वाले ही हैं भाई। ये देख लीजिए आप लोग, मज़ा आ जाएगा आपको देख करके। ये ऐसा गाँव में हमारे पहली बार ऐसा नेशनल हाईवे बन रहा है, इसलिए मैं सोचा कि आपको मैं पूरा दिखाता हूँ वीडियो आज आपको, ठीक है। देखिए लाइटें भी लग गया है, टिमटिमाते हुए टारों की तरह दिख रहा है यहाँ पे, वाह अच्छा है। फिश टोल प्लाजा 1 किलोमीटर लिखा हुआ है, और देखिए पहाड़ भी आपको दिख रहा है, लोग भी इंजॉय कर रहे हैं इस जगह को। ये मेरा लोकल इलाका है इसलिए मुझे नर्वसनेस फील भी हो रहा है भाई, क्योंकि लोग मुझे ताड़ते हुए जा रहे हैं कि ये कर क्या रहा है। खैर वैसे मैं दूसरा स्टेट में जब जाता हूँ तो मैं पूरा वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, वहाँ पे कोई हेजिटेशन नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे मुझे जानते तो है नहीं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग जानने वाले मिल जा रहे हैं, तो क्या सोच रहे हैं उसके बारे में सोचने लगता हूँ, इसीलिए थोड़ा सा नर्वसनेस फील हो रहा है, ठीक है। तो क्या आगे बढ़ना चाहिए मुझे, चलिए चलते हैं आपको दिखाते हैं और आगे क्या क्या कितना अंधेरा होता है, ठीक है।
उसको मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए इधर में खेत भी है और कोई गांव है, पता नहीं कौन सा गांव है। ये रहा टोल प्लाजा, नज़दीक से जाने में तो सारा चीज़ दिखेगा नहीं, दूर से मैं शूट कर रहा हूँ तो सारा चीज़ हमको दिख रहा है यहाँ से, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लेन का ये टोल प्लाजा है, बाकी गढ़देवी टोल प्लाजा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका टोल प्लाजा बना हुआ है, यहाँ पर देखिए निर्देश क्या दिया हुआ है, ठीक है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, उसका क्या क्या नियम है उसको आपको पालन करते हुए जाना है, ठीक है। टोल प्लाजा देखिए, हमारे तरफ तो इतना बड़ा टोल प्लाजा कभी नहीं है, ये फर्स्ट ही बन रहा है। और गाड़ी का लिमिट देखिए, स्पीड लिमिट, आदमी कितना फास्ट चला रहा है, यहाँ पर इंजॉय कर रहा है इस मोमेंट को। अभी भीड़ कम है इसलिए मज़ा ले रहा है सब। ये देखिए टॉयलेट वॉयलेट करने के लिए जगह है और रूम भी बना दिया है और एक पार्किंग एरिया है। पीछे का कुछ सिर्फ रोड ही रोड है, यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा और क्या बताने इस जगह पे। बैक कैमरा स्टार्ट करते हैं और अच्छा से कुछ दिखने को मिलता है, मैं एक्सप्लोर करूँगा अच्छा से, ठीक है। बैक कैमरा को चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको, केबिन बना हुआ देखिए, ये देखिए। और सीढ़ी भी बनाया हुआ ऊपर, उसको तो बनाने के लिए सीढ़ी बनाया होगा भाई, ठीक है, बोर्ड लगाने के लिए। इस तरह से बिल्डिंग है, देखिए ट्रैफिक नियमों का क्या क्या पालन करना है वो बोर्ड में समझा दिया गया है, ठीक है। इसको जूम करते हैं, ये देखिए इस बिल्डिंग में स्टाफ लोग रहेंगे, नाइट हो या डे हो। अब भाई कैमरे में झिलमिलाहट चालू हो गया क्योंकि शाम हो गया है बहुत ज़्यादा, ठीक है। देखिए बड़ी गाड़ी अभी उधर से पार कर रहा है, पता नहीं ये चालू है कि नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि रात होने वाला है, देखिए पहाड़ भी अब नहीं दिख रहा है, ठीक है। खैर मैं तो पूरा अंधेरा होते तो घूमूंगा क्योंकि मेरा घर यहाँ से दूर है।
ये फोर लाइन से चलिए ना इसी से इस बतावा अथी चीनिया फोर लाइन से चलिए इलेक्टोरेट कलर 60 करोड़ के बिल्डिंग बनल है गढ़वा में सवाहरनाल है।